हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर 2021 का सॉल्यूशन, इंट्रोडक्टरी ऑफ बायोलॉजी, जो आपका एग्जाम होता है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर दें, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और आपको इसी तरह के हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर तथा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया गया है कैरोला कोरोला, नंबर बी कैलेक्स, नंबर सी ब्रैक्टिस, नंबर डी एंड्रो एंड्रो एंड्रोइकियम। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ब्रैक्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो। पुष्पकली में बाह्यदल या पंखुड़ी की व्यवस्था क्या कहलाती है? नंबर ए बीजान्यास, नंबर बी पुष्पदल विन्यास, नंबर सी सैपत्री, नंबर डी फाइलोटैक्सी। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका पुष्पदल विन्यास, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उभयलिंगी पौधे में ऑप्शन नंबर ए नर और मादा यौन अंग एक ही पौधे पर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी नर और मादा युग्मक दो रूपात्मक रूप से भिन्न प्रकार के होते हैं, नंबर सी नर और मादा यौन अंग अलग अलग पौधों पर होते हैं, नंबर डी सभी पुंकेसर एक इकाई बनाने के लिए जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए। ये नंबर आप देख सकते हैं, नर और मादा यौन अंग एक ही पौधे पर होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार। ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं। नंबर ए खेत में संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है, बी कृत्रिम माध्यम में एक दहक भ्रूण द्वारा उत्पादित होता है एक, इसके बाद सी नंबर में एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके और उस कोशिका में एक पौधे को पुनः उत्पन्न करना, नंबर डी में कृत्रिम माध्यम में प्रोटोप्लास्ट संलयन के बाद उत्पादित। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधे को पुनः उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। नंबर ए शिमला, नंबर बी देहरादून, नंबर सी हावड़ा, नंबर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा आपका लखनऊ, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया सही क्रम चुनें। नंबर ए में स्थूलपट, नंबर दो में युग्मपट, नंबर तीन में तनुपट, सी में, नंबर डी में पारगतिक्रम, नंबर ई में डिप्लोटीन। तो इसका जो सही क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी राइट होगा किस क्रम में, सी बी ए ई डी, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात। इसमें दिया गया सही क्रम में करें। नंबर ए में वर्ग, बी जाति, नंबर सी संघ, नंबर डी वंश, नंबर ई कुल और एफ में जाति दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या देगा, बी सी ए ई डी एफ, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका, नहीं सी सॉरी सी सी नंबर जो दिया गया है, बी सी ए ई डी एफ जो दिया गया है, ये आपका सही होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ। आलू टमाटर और बैंगन किस परिवार से संबंधित हैं? पेपिलियोनेसी, सोलेनेसी, पोएसी और कुकरबिटेसी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सोलेनेसी में। ठीक, सोलेनेसी जो होगा वो इसी फैमिली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बेरियम है एक, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सभी जानवर के नमूनों का भंडार गृह, नंबर बी वह स्थान जहाँ आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए ताजे पौधे रखे जाते हैं, नंबर सी कागज की सीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधे एवं नमूने टॉक्सोनॉमिक अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं, नंबर डी एक भक्ति स्थान जहाँ लोग पवित्र वृक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कागज की सीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधे एवं नमूनों को टॉक्सिन अध्ययन के लिए संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दस। पेजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नंबर ए डार्विन, नंबर बी लैमार्क, नंबर सी बीजमैन और नंबर डी डीब्रीज। तो इसका सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है आपका, डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरहर का वानस्पतिक नाम है। नंबर ए कजानस कजान, बिग्ना अनगायकुलता, नंबर सी फेजोलस बल्गेरिस और नंबर डी बिग्ना रेडियाटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है कजानस कजान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठदार जड़ें कुल की विशेषता होती है। तो गांठदार कुल की विशेषता होती है, गांठदार कुल की क्या विशेषता होती है? गांठदार कुल की विशेष गांठ है, गांठदार जड़ें मतलब किस कुल की विशेषता होती है? नंबर एक फेवेसी, नंबर बी एस्ट्रेसी, नंबर सी पोएसी, नंबर डी शोलिनेसी। तो ये होती है फेवेसी कुल, ऑप्शन नंबर ए में जवाब दिया गया है फेवेसी कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस किस जीन से संबंधित है? होमोसेपियंस जो होता है ये किस जीन से संबंधित, मतलब इसमें जीन्स क्या है? तो ए में है सेपियंस, बी में है होमो, सी में है होमोनिडे, नंबर डी में है स्तनधारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, होमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का द्विपद नामकरण है। तो गेहूं का जो द्विपद नामकरण है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रिटका एस्टिवम, नंबर बी मुस्का डोमेस्टिका, नंबर सी ओराइजा सटावा, नंबर डी ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रिटका एस्टिवम, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएसी परिवार में फल होता है। नंबर ए कैप्सूल, नंबर बी कैरियोप्सिस, नंबर सी नट, नंबर डी शिल्कुआ। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, कैरियोप्सिस। पोएसी परिवार में फल कौन सा होता है? कैरियोप्सिस फल पाया जाता है, ठीक है, कैरियोप्सिस फल आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तंबाकू है निकोटियाना के फल, निकोटियाना के बीज, निकोटियाना के सूखे पत्ते, निकोटियाना की सूखी जड़ें। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, निकोटियाना की सूखी जड़ें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। नंबर ए मेटाफेज, नंबर बी इंटरफेज, नंबर सी प्रोफेज और नंबर डी टीलोफेज। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, प्रोफेज जो होता है वो न्यूक्लियोलस में गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो द्विपद नामकरण था वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट मायर, नंबर बी अलेक्जेंडर अगासिस, नंबर सी कैरोलस लीनियस, नंबर डी अलेक्जेंडर मायर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। नंबर ए जलमंडल, नंबर बी समतापमंडल, नंबर सी स्थलमंडल, नंबर डी है आपका क्षोभमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समतापमंडल जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक को माना जाता है। नंबर ए बल्ब, बी कंद, नंबर सी राइजोम, नंबर डी कॉर्न। तो इसको क्या माना जाता है? अदरक को माना जाता है, राइजोम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंठल वाली पत्ती कहलाती है। डंठल वाली पत्ती क्या कहलाती है? नंबर ए अभ्रंत, बी सभ्रंत, नंबर सी उप अभ्रंत और नंबर डी उप सभ्रंत। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, सभ्रंत जिसे कहते हैं, डंठल वाली पत्ती को क्या कहते हैं? सभ्रंत कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फूल है। नंबर ए कमल, बी रिफ्लेशिया, सी सूरजमुखी, डी गुलाब का फूल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, रिफ्लेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया था। नंबर ए फिशर और हल्दाने ने, नंबर बी वाटसन और क्रिक ने, नंबर सी लेमार्क और डार्विन ने, नंबर डी गायक और निकोलसन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन बेस हैं। नंबर ए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, नंबर बी चीनी, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, नंबर सी फास्फेट, थायमिन, ग्वानिन और यूरेसिल, नंबर डी फास्फेट, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्योंकि इसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? नंबर एक प्लास्टिड, बी राइबोसोम, सी तारक का, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण की द्विनाम प्रणाली का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनाम प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दो नाम एक वैज्ञानिक और दूसरा आमतौर पर अनुसरण किया जाता है। बी नंबर, दो नाम एक जीन्स और दूसरा प्रजाति का होता है। नंबर सी, दो नाम एक लैटिन और दूसरा ग्रीक में होता है। नंबर डी, दो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दो नाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दो नाम एक जीन्स और दूसरा प्रजाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित अनाज। नंबर ए ट्रिटस्केल, नंबर बी सिकेल, नंबर सी ट्रिटकम, नंबर डी सिसर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ट्रिटकेल। ट्रिटकेल जो होता है वो गेहूं इंटू राई से मिलकर बनाया गया है। ये प्रथम मानव निर्मित अनाज है, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड,
और खाद्य सामग्री कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और फॉर्मेलडिहाइड और नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिटी कुल के पुष्पकम का लक्षण है, नंबर ए मुंडक या कैपिटुलम, नंबर बी साइमोज, नंबर सी रेसिमोज, नंबर डी ब्रिटिश लस्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, मुंडक या कैपिटुलम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंडक या कैपिटुलम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन होता है, तो ये इसका आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन श्वसन किस में होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया गया है केवल पौधे के हरे भाग में, बी पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में, नंबर सी पौधे की जीवित और मृत कोशिकाओं में, पौधे के उन भागों में जो मिट्टी के ऊपर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, क्योंकि बी में दिया गया है पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में, जो ऑप्शन नंबर 30 का है, श्वसन होता है, श्वसन किस में होता है, तो पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं ए में बाह्यदल और पंखुड़ी, बी में पराकोष और अंडाशय, नंबर सी में कलंक और फ्लामेंट, नंबर डी में केवल पंखुड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, बाह्यदल और पंखुड़ी जो होते हैं ये पुष्प के गैर आवश्यक पुष्प अंग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, नंबर ए भ्रूण थैली के दो ध्रुवीय नाभिक, नंबर बी अंडा कोशिका और नरयुग्मक, नंबर सी सहक्रियात्मक और नरयुग्मक, नंबर डी नगर नरयुग्मक और प्रतिपादक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, अंडा कोशिका और नरयुग्मक जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर में, ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पराकणों का अध्ययन कहलाता है, पराकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, नंबर ए सूक्ष्म विज्ञान, संकलन, पेलिनोलॉजी और पोमोलॉजी। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पेलिनोलॉजी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है क्या कहलाता है, नंबर ए वर्तिका, नंबर बी वर्तिका, नंबर सी बीजांड और नंबर डी अंडाशय। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, वर्तिकाग जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, नंबर ए इंसुलिन, नंबर बी थायरोक्सिन, नंबर सी एस्ट्रोजन, नंबर डी साइटोकिन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, जो है डी में क्या दिया गया है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल का स्वतंत्र अभिवहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए गैर समरूप गुणसूत्र, बी समरूप गुणसूत्र, अतिरिक्त परमाणु अनुवांशिक तत्व, नंबर डी एक ही गुणसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, एक ही गुणसूत्र जो दिया गया है, एक ही गुणसूत्र ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई, माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी कैपिटल टी और कैपिटल टी, ऑप्शन डी कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन ए है फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 16, बी है फिनोटाइप 9 जीनोटाइप 4, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 8 और फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 9। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा, फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था, नंबर ए फलियाकार, बी फली का रंग, सी फूल का स्थान, डी फली का स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो फली का स्थान है ये मेंडल ने नहीं चुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, नंबर ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हॉलैंड्रिक लक्षण, डी घातक लक्षण। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी सही होगा, क्योंकि वो जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी लक्षण आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी डाईहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस और डी बैक क्रॉस। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में तीन वैज्ञानिकों ने की थी? नंबर ए 1865, बी 1900, सी 1910, डी 1920। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जो 1900 दिया गया है, ये बी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन एट अल, बी सटन और बॉब्रिक, सी ह्यूगो डेविस और डी ग्रेगर जी मॉन्डेल। तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सटन और बॉब्रिक ने दिया था। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सटन एवं बॉब्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचरित होते हैं और उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? नंबर ए एलिलोमॉर्फिस, बी समान जीन, सी संगलन जीन और डी अप्रभावी जीन। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, संलग्न जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य सामग्री अंक गणितीय अनुपात में बढ़ती है, यह एक बयान है किसका? यह बयान किसके ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन और बी बेटसन और सी है अमर्तसेन और डी है मॉल्थस। तो ये दिया था संलग्न जीन, उन्हें क्या कहा जाता है? नहीं नहीं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, जिसमें दिया गया मॉल्थस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसमें मॉल्थस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि ए प्रकृति में लंबी गर्दन वाले लोगों को चुना, बी मनुष्य केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को पसंद करते हैं, सी छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन में बदल गई, डी छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि इसमें छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचा गया था, तब इनकी गर्दन लंबी हुई थी, तब जिराफ में विकास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है? नंबर ए डाईहाइब्रिड, बी टेस्ट क्रॉस, सी बैक क्रॉस और डी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, स्वतंत्र अभ्यूहन द्वारा किस नियम की व्याख्या की जा सकती है? तो टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी हरे पौधे और डी यूवी किरणें और बिजली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जो कि दिया गया है, बी में क्या दिया गया है? क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अनहाइड्रोकार्बन थे, अब उनका स्थान ले लिया है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इसका स्थान किसने ले लिया है? डी नंबर में आपका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन ने ले लिया उनका स्थान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पहला जीवन उत्पन्न हुआ ए भूमि पर, बी हवा में, सी पानी में, डी या डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने दूसरे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 52 नंबर, योग्यता की उत्तरजीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था सभी प्रजातियों में सबसे मजबूत जीवन रहता है, प्रजातियों में से सबसे बुद्धिमान जीवित रहता है, प्रजातियों में से सबसे चतुर जीवित रहता है, परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूलनीय प्रजातियां। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 53 क्वेश्चन नंबर, प्राइमरी रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अर्थात प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मूलक से, भ्रूण का प्लीम्यूल, भ्रूण का कोलोराइजा, भ्रूण का स्क्यूटलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, साथ ही साथ आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 54, बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? ऑप्शन नंबर ए प्लीम्यूल, ऑप्शन नंबर बी मूलांक, ऑप्शन नंबर सी स्क्यूटेलम, ऑप्शन डी कोलोराइजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, अर्थात प्लीम्यूल। आइए आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, देन ऑप्शन इज ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। देन द सेल टर्म वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सो द
आंसर विल बी बी। लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। राइबोसोम का कार्य है मेटाबॉलिज्म, लैपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसका सही आंसर, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक कच्चा माल है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, बी ऑक्सीजन, सी NADH, डी खनिज लवण। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑक्सीजन, अर्थात पौधों को ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज, अर्थात आलू कंद एक भूमिगत तना है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी वह सूज गया है, ऑप्शन नंबर सी इसमें अक्षीय कलिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी यह स्टार्च को आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इट स्टोर्स स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टेम डू नॉट स्टोर द फूड मटेरियल, अर्थात निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री भंडारण नहीं करता है, ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी जिंजर, ऑप्शन सी ओनियन, ऑप्शन डी कोलोकेशिया। देन आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्वेश्चन। सर्टेन प्लांट्स कॉल्ड एज रनर कैन ईजिली बी प्रोपिकेटेड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दैट मीन्स ऊपरी भूस्तारी कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है, यह इस तथ्य के कारण है। तो यह किस तथ्य का कारण है, ऑप्शन ए वे संख्या में असंख्य हैं, ऑप्शन बी वे तैयार भोजन स्टोर करते हैं, ऑप्शन सी वे क्षैतिज रूप से मिट्टी पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी वे गांठों पर काफ़ी आसानी से साहसी जड़ें पैदा कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दे कैन प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट क्वाइट रैपिडली एट द नोड्स। दीज आर दी क्वेश्चंस, दीज आर दी प्रीवियस सॉल्यूशन क्वेश्चंस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट्स, लाइक शेयर, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।